हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फ्यूचर चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, इसके पहले मैं व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत थंडाइक और पावलोव के सिद्धांत की बात कर चुकी हूँ। एंड जो व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक जो है वाटसन हैं, और इन्हीं के अंतर्गत थंडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, ये सब आते हैं। और इन सभी के सिद्धांत के अंतर्गत आज स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, और ये स्किनर जो है अमेरिका के थे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा इनके सिद्धांत को। ठीक है, और इन्होंने थंडाइक के विरोध में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि ये अभिप्रेरणा को सबसे पहले रखते हैं, जबकि थंडाइक ने पहले उद्दीपन को रखा था। इसलिए स्किनर के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत, पहले अभिप्रेरणा, उसके बाद क्रियाशीलन होती है। जबकि क्या कहते हैं, थंडाइक के सिद्धांत में पहले उद्दीपन तब फिर क्रियाशीलन होती है। ठीक है, स्किनर के सिद्धांत में क्या होता है, पहले अभिप्रेरणा फिर क्रियाशीलन, जबकि थंडाइक के सिद्धांत में पहले उद्दीपन यानी भोजन को रखा जाता है, तब फिर उसको खाने के लिए, खाने के चक्कर में वो बिल्ली जो है अभिप्रेरणा उत्पन्न होता है, तब वो क्रियाशीलन करती है। ठीक है, यानी थंडाइक के सिद्धांत में पहले उद्दीपन फिर अभिप्रेरणा फिर क्रियाशीलन, जबकि स्किनर के सिद्धांत में पहले अभिप्रेरणा फिर क्रियाशीलता, ठीक है, फिर उद्दीपन। ठीक है, इस प्रकार का, इसलिए स्किनर के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत सिद्धांत और थंडाइक के सिद्धांत को उद्दीपन प्रसूत कहा जाता है। और क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध उद्दीपन से नहीं है, जबकि उद्दीपन प्रसूत का संबंध उद्दीपन से होता है। यानी कि स्किनर के, जैसे कि थंडाइक के सिद्धांत को उद्दीपन और क्रियाशीलता यानी कि स्टिमुलेंस और रिस्पांस, ठीक है, तो स्टिमुलेंस यानी कि उनके इस थंडाइक के सिद्धांत को एसआर का सिद्धांत बोला जाता है, जबकि स्किनर के सिद्धांत को आरएस का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, स्किनर के सिद्धांत को आरएस का सिद्धांत बोला जाता है। इनकी एक परिभाषा है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये सामंजस्य ही स्थापित करता है, कैसे करता है पूरी वीडियो में आप समझ जाएंगे, इसलिए शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखते रहिएगा। तो इनका परिभाषा क्या है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्षमता है। ठीक है, ये सामंजस्य, उत्तरोत्तर सामंजस्य पे ज्यादा जोर देते हैं। इनका परिभाषा क्या है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह परिभाषा बार बार पूछा जाता है, और इस तरह से पूछा जाता है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह परिभाषा किसकी है, तो स्किनर की है। तो इस परिभाषा को आप रट लीजिएगा। ठीक है, तो इनके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप समझ गए कि इन्होंने अभिप्रेरणा पर ज्यादा जोर दिया है, जबकि थंडाइक ने सबसे पहले उद्दीपन रखा है। ठीक है, यानी कि स्किनर सिद्धांत में पहले अभिप्रेरणा फिर क्रियाशीलता फिर उद्दीपन, ठीक, जबकि थंडाइक के सिद्धांत में पहले उद्दीपन फिर क्रियाशील, अभिप्रेरणा फिर क्रियाशीलता, ऐसे था। ठीक है, इसलिए स्किनर के सिद्धांत को यस आर एस का सिद्धांत, जबकि थंडाइक के सिद्धांत को एसआर का सिद्धांत बोला जाता है। तो इनके सिद्धांत के बारे में समझते हैं। स्किनर का कहना था कि जरूरी नहीं है कि अनुक्रिया करने के लिए प्राणी के समक्ष उद्दीपन प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि उनके समक्ष उद्दीपन प्रस्तुत किया जाए। इनका कहना था कि अनुक्रिया करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता अभिप्रेरणा की होती है। ठीक है, अनुक्रिया करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अभिप्रेरणा की। ठीक है, तो अभिप्रेरणा से, यानी उनका कहना था कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। जब हमारे अंदर अभिप्रेरणा जागृत होता है, उसके बाद अभिप्रेरणा से जो उत्पन्न क्रियाशीलता होती है, वही सीखने के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। कैसे होती है आगे समझेंगे। यानी कि जब प्राणी अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन में आता है तो क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखें होंगे कोई भी आदमी मोटिवेशन में आता है तो उस क्षण के लिए पूरा क्रियाशील हो जाता है कि हम इसको करेंगे जरूर, और उसकी वही क्रियाशीलता जो है सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। आप जितना प्रेरित होंगे, जितना आप में मोटिवेशन होगा, जितना अभिप्रेरित होंगे किसी चीज के लिए, उतना ही उसमें क्रियाशील होंगे। ठीक है, तो इस बात को सिद्ध करने के लिए स्किनर ने
चूहे पर प्रयोग किया। इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया, चूहे पर प्रयोग किया और एक चूहे को एक विशेष प्रकार के स्किनर बॉक्स में इन्होंने बंद कर दिया और चूहे को अंदर या बाहर कहीं पर भोजन नहीं दिखाई दे रहा था, यानी कहीं पर उद्दीपक नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, जब चूहे को भूख लगती है तो क्या हुआ, भूख ही अभिप्रेरणा का कारण होती है। यहाँ पे भूख लगती है यानी भूख अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन होगी। ठीक है, और वो पिंजरे में गति करने लगेगा, यानी कि जो ही उसके अंदर भूख लगेगा यानी वो भूख ही मोटिवेशन होगी और उस मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा से वो क्या करने लगेगा, क्रियाशील हो जाएगा। ठीक है, अभिप्रेरणा होगा और इसी से वो क्रियाशील हो जाएगा। जैसे कि यही स्किनर के सिद्धांत में क्या होता है कि व्यवहारवादियों के सिद्धांत का सिद्धांत यह है कि आंशिक क्रिया, व्यवहारवादी का सिद्धांत क्या है, आंशिक क्रिया का सिद्धांत है, यानी कि प्राणी समस्या का समाधान छोटे छोटे पदों में विभक्त करके करता है। व्यवहारवादियों का क्या कहना है कि उनका आंशिक क्रिया का सिद्धांत है, व्यवहारवादियों को आंशिक क्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, उन व्यवहारवादियों का कहना है कि प्राणी जो है समस्या का समाधान छोटे छोटे पदों में विभक्त करके करता है। वो चीज स्किनर ने स्पष्ट रूप से स्किनर के सिद्धांत में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कैसे, यानी कि चूहे को जब भूख लगता है तो वो मोटिवेशन में आता है। ठीक, भूख लगता है, भूख मोटिवेशन का कारण होता है, तो जब भूख लगता है तो वो मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा में आता है, तो भोजन करने की उसमें इच्छा जागृत हुई। जब भोजन करने की इच्छा जागृत हुई तो भोजन प्राप्त करना उसके लिए समस्यात्मक परिस्थिति हो जाता है। ठीक है, और इस समस्या का समाधान करने के लिए पहले तो पिंजरे से बाहर निकलेगा फिर उसे भोजन प्राप्त करेगा, तभी तो इस प्रकार वह टुकड़े को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाता है। ठीक है, टुकड़े में बटा ना, पहले उसको भूख होता है, भूख अभिप्रेरणा का कारण होता है। अब भोजन प्राप्त, अब भूख लगा तो क्या है, भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा, भोजन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, भोजन प्राप्त करना उसके लिए एक समस्यात्मक परिस्थिति हो जाती है। उपाय तो उपाय कहाँ से, इसके लिए वो प्रतिक्रिया करने लगता है, तो इस समस्या का समाधान वो कैसे करेगा, सबसे पहले वो पिंजरे से बाहर निकलेगा तभी तो कुछ प्राप्त करेगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक अंशों में बांट कर पदों में बांट कर अध्ययन कर हुआ यहाँ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो स्किनर ने जब चूहे को पिंजरे में बंद किया, ठीक है, तो चूहे को भूख लगी और चूहा भोजन की तलाश में भूख लगी, यानी उसको अभिप्रेरणा उत्पन्न हुआ कि अब भोजन कहाँ से पाया जाए, तो भोजन की तलाश में इधर उधर प्रतिक्रिया करने लगा। ठीक है, अभिक्रिया करने लगा यानी क्रियाशील हो गया। ठीक है, यानी क्रियाशील हो गया, अब भूख लगने का मतलब अभिप्रेरणा से अभिप्रेरणा में आ गया, अभिप्रेरणा आने के बाद क्रियाशील हो गया। ठीक है, यानी भोजन की तलाश में पिंजरे में भटकने लगा इधर से उधर, अब पिंजरे से बाहर निकलने के लिए चक्कर में उस स्थान पर पहुंच गया क्रियाशील करते करते इधर से उधर भटकते भटकते, जहां पर स्किनर ने एक लीवर लगाया था और उस लीवर के दबते ही एक खटके के साथ एक खिड़की खुलती है। ठीक है, जिससे भोजन का टुकड़ा पिंजरे में आकर गिरता है, यानी कि चूहा अपनी स्थिति पर बरकरार है और उत्तेजना जो है उत्तेजना है तो नहीं, और उत्तेजना कंट्रोल में है। ठीक है, उसकी उत्तेजना क्या है, कंट्रोल में है। वो जब भोजन का टुकड़ा पिंजरे में आकर तक से गिरता है, यानी कि इनका कहना है कि उत्तेजना को नियंत्रित करके ही वांछित व्यवहार का सृजन किया जा सकता है। तो इनके इनका जो कहना था कि कोई जरूरी नहीं है इसकी प्राणी के समक्ष उद्दीपन प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि उद्दीपन प्रस्तुत करने से जो उसकी उत्तेजना होती है वो अनियंत्रित हो जाती है। जैसे कि जब थार्नडाइक ने सबसे पहले उद्दीपन को प्रस्तुत किया तो बिल्ली अत्यधिक उत्तेजना में आ जाती है और अत्यधिक उत्तेजना में आने से उसकी व्यवहार जो है नियंत्रित नहीं होती है, अनियंत्रित होती है। तो उनका कहना है कि कोई, इसीलिए उन्होंने कहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि प्राणी के समक्ष उद्दीपन प्रस्तुत किया जाए। तो यहाँ पे चूहा के समक्ष उद्दीपन प्रस्तुत नहीं है, पहले भोजन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनके कहने का तात्पर्य है कि उत्तेजना को नियंत्रित करके ही वांछित व्यवहार का प्रयोग किया जा सकता है। तो भोजन तो चूहा तो कहीं अनियंत्रित व्यवहार कर नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके प्रति भोजन उद्दीपन है नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि उसका उद्दीपन जो है, उत्तेजना जो है वो कंट्रोल में है, आवश्यकता से अधिक नहीं है, इसलिए वो खट खट की आवाज को केयर करता है,
ना कि एकदम उत्तेजना होकर जैसे तैसे व्यवहार करता है, ठीक है। इसलिए वह खट खट की आवाज को केयर करता है कि कहाँ से आ रही है, आखिर में ये खट की आवाज आई कहाँ से, क्या गिरा, फिर क्या, ऐसे ऑब्जर्व करता है। फिर उसके बाद देखता है कि भोजन को देखता है, फिर जहां से गिरा उसको देखता है कि आखिर ये भोजन आया तो आया कहाँ से, फिर स्वयं को देखता है, फिर वो कहाँ खड़ा है, इस सब परिस्थितियों को मूल्यांकन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। तत्पश्चात यानी उसके बाद वह आसानी से भोजन के पास पहुंचता है और भोजन कर लेता है, ठीक है। इस आप भोजन कर लेता है यानी कि उसमें बिल्ली की जैसे आकुलाहट नहीं होती है उस उद्दीपन को देखकर, ठीक है। वो ऑब्जर्व करता है, चारों तरफ परिस्थितियों को देखता है, और अगली बार जब चूहा फिर से भूख लगती है चूहे को, तो अब ठंडाई वाला नियम लागू हो जाता है। कैसे कि अब उद्दीपन प्रस्तुत हो जाता है, क्योंकि एक बार तो इस तरह से भोजन को खा लिया, उसके सामने प्रस्तुत नहीं हुआ, लेकिन अगली बार जब भूख लगती है तो वो भोजन को सामने, तो उसके मन मस्तिष्क में भोजन का आ जाता है, ठीक है। उसके मन मस्तिष्क में भोजन आ जाता है यानी कि यहाँ से उद्दीपन प्रस्तुत व्यवहार होना हो जाता है, या उद्दीपन प्रस्तुत व्यवहार पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी बार जब अगली बार वो फिर उससे भूख लगेगा तो वहाँ पे उसके मन में भोजन आ जाएगा यानी कि उद्दीपन आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ठंडाई का उद्दीपन प्रसूत व्यवहार लागू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो दूसरी अगली बार से वो जब भूख लगेगा तो उद्दीपन प्रसूत व्यवहार वो करने लगेगा। ये उद्दीपन प्रसूत व्यवहार जो है, उद्दीपन प्रसूत व्यवहार जो है मुख्य क्रिया प्रसूत व्यवहार पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखा गया कि तीन चार या पांच बार प्रक्रियाओं के बाद चूहा जो है एग्जैक्ट उसी बिंदु पर पहुंचता है, यानी कि वो सीख लेता है। अब उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, ज्यादा क्रियाशील नहीं होना पड़ता है, डायरेक्ट वो क्या लीवर पर पैर दबाता है और भोजन गिर जाता है और भोजन को खा लेता है। जहां पर लीवर लगा होता है वह उसका उस पर खड़ा हो जाता है, अब खिड़की खुलती है, अब भोजन गिरता है, वह भोजन करता है। और इस प्रकार क्या हुआ कि बहुत आसानी से स्किनर का चूहा जो है ठंडाई की बिल्ली से पहले भोजन प्राप्त करने की क्रिया को सीख लेता है, ठीक है। बहुत आसानी से स्किनर का जो चूहा है ठंडाई की बिल्ली से पहले भोजन प्राप्त करने की क्रिया को सीख लेता है। तो ये था स्किनर की क्रिया प्रसूत सिद्धांत का, ठीक है। क्रिया प्रसूत यानी कि इसको आरएस का सिद्धांत भी बोलते हैं, जबकि ठंडाई के सिद्धांत को एसआर का सिद्धांत बोलते हैं। तो इसमें क्या सीखे कि इन्होंने सबसे पहले अभिपेड़ा को जागृत किया, फिर क्रियाशील हुआ यानी भूख इनके अभिपेड़ा का कारण हुआ, फिर उस भूख को शांत करने के लिए वो क्रियाशील हुआ, फिर वो प्रयास करते करते लीवर पर पैर दबा, फिर भूख एकाएक खाना जो भोजन है टक से आवाज के साथ आ जाता है और सोचता है कि कहाँ से टक से आवाज आया, भोजन गिरा तो गिरा कहाँ से, इस सब को ऑब्जर्वेशन करके लास्ट में भोजन कर लेता है। इस प्रकार वो बहुत जल्दी क्रिया सीख लेता है, बार बार ऐसे दोहराता है, लास्ट में उसको कुछ क्रिया नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट लीवर को दबाता है, खाना प्राप्त कर लेता है और खा लेता है। तो इस प्रकार इनके इनका चूहा जो है ठंडाई की बिल्ली से जल्दी कार्य करना सीख लेता है। तो ये था इनमें, यही है कि इनके सिद्धांत को क्या बोला जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इनका सिद्धांत को बोला जाता है। और इनकी परिभाषा क्या है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्षमता, जैसे जैसे लास्ट में आप देखते हैं कि वो देखता है कि कहाँ से क्या गिरा और गिरा भोजन तो कहाँ से गिरा, क्यों इस सब ऑब्जर्वेशन करता है। तो यानी उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्षमता है, जितना आप सामंजस्य कर सके किसी चीज में उतना ही जल्दी आप सीखेंगे, इनका कहना यह है। तो इनका परिभाषा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ठीक है। ये सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, यही सिद्धांत पूछा जाता है इनके अंदर। और इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यस आरएस का सिद्धांत, ठीक है, आरएस यानी क्रिया प्रसूत का सिद्धांत इनको बोला जाता है। तो यही इसमें ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। ये था स्किनर की क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सिद्धांत कोहलर के अंतर्दृष्टि, सोझा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके जिसको इनकी आवश्यकता हो। एंड
पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।